इसराइल की सबसे पहले बात करेंगे, जहां की आर्मी गाजा पट्टी में घुसकर हमला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रही है, लेकिन वहां हमास की सुरंगों ने इसराइल का रास्ता रोक दिया है। गाजा पट्टी की ये सुरंगें एक दो नहीं बल्कि 500 किलोमीटर में फैली हैं। आपको ये भी बताएं कि इन सुरंगों के अंदर हमास के कमांडर खुद भी छिपे बैठे हुए हैं और बड़ी तादाद में गोला बारूद भी यहाँ पर रखा हुआ है। अब नेतन्याहू को डर ये लग रहा है कि जमीनी हमले के वक्त कहीं ये सुरंग इजरायली सेना की हार की वजह न बन जाए। गाजा पट्टी, जमीन के नीचे शहर, पूरी गाजा पट्टी में सुरंगों का जाल, सुरंगों का भूल भुलैया, सुरंग में कमरे भी, सुरंग छिपने की बेहतरीन जगह, सुरंग को भेद पाना मुश्किल। क्या गाजा पट्टी की सुरंगों में फंस जाएगा इजराइल? सवाल इसलिए क्योंकि नेतन्याहू ने जब कहा था कि वी आर एट वॉर, मतलब हम लोग युद्ध में हैं, तभी से इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमले शुरू कर दिए। मतलब 7 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक इजराइल ने गाजा पट्टी को बमों से पाट दिया। लेकिन सिर्फ 41 किलोमीटर लंबी और 6 से 7 किलोमीटर चौड़ी तीन ओर से इजराइल से घिरी और सिर्फ एक ओर समंदर वाली गाजा पट्टी नेतन्याहू के जला देने वाले बमों के सामने अब तक टिकी है। इजराइल के पास पावर है। गाजा पट्टी चंद हजार हमास के आतंकियों के साथ इजराइल जैसी शक्ति का मुकाबला करने में असमर्थ है। गाजा ईंट दर ईंट बिखर रही है, दीवार दर दीवार ठह रही है, लेकिन इजराइल के सामने उसका अस्तित्व अब भी कायम है। कहा जा रहा है कि हमास के अब तक टिके रहने का मुख्य कारण गाजा पट्टी में बनाई गई सुरंगें हैं। इन सुरंगों में हमास ने पूरी दुनिया बसा रखी है, जिससे वो इजराइल के अंदर तक जा सकते हैं और अपने आप को इजराइल के एयर स्ट्राइक से बचा भी सकते हैं। कह सकते हैं कि महीनों तक रहने का इंतजाम इन सुरंगों में हमास के आतंकियों ने किया है। इसीलिए गाजा पर किसी हमले से पहले इजराइल चाहता है कि पूरी जानकारी सुरंगों के बारे में जुटा ली जाए। गाजा पट्टी के नीचे बिछी टेढ़ी मेढ़ी बहुत गहरी, कहीं बहुत संकरी सुरंगें जो 500 किलोमीटर तक में फैली हैं। हमास ने इन 500 किलोमीटर लंबी सुरंगों के बाकायदा कई एक्सेस पॉइंट बना रखे हैं, यानी शहर में खुलने वाले दरवाजे। ये दरवाजे किसी मस्जिद में, किसी अस्पताल में या किसी स्कूल में भी खुलते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि हमास के कई आतंकी इन सुरंगों से होकर इजराइल में पहुंचे। इसका सबूत आपको आगे दिखाएंगे। यहाँ रोशनी का इंतजाम है, आप चाहें तो इन सुरंगों में घूम भी सकते हैं। इजराइल पर हमले का मास्टरमाइंड मोहम्मद दईफ भी इन्हीं में से किसी एक सुरंग में छिपा हुआ हो सकता है। इजराइल ने अंतिम हमास के आतंकी के नाश तक का ऑपरेशन चलाया है, नाम दिया है लोहे की तलवार, मतलब सॉल्ट ऑफ आयरन। और जिन सुरंगों से हमास ये ऑपरेशन चला रहा है, हमास के हाथों ये सुरंगें इतनी महफूज रही है कि कई बार तो इजराइल के जलजले के बाद भी सारी सुरंगें जल नहीं पाई। इजराइल इन सुरंगों की तबाही का ऐलान कर चुका है, लेकिन अब तक ऑपरेशन को अमली जामा पहुंचाने में देरी कर रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इन सुरंगों से उसे खौफ है। खौफ ये है कि कहीं लेने की देने उससे ना पड़ जाए। आपको आगे दिखाएंगे कि गाजा पट्टी पर नाचती मौत के बीच कैसे सुरंगें लाइफलाइन बन गई हैं। जली कनेसले आजा।
זה לבוא למקומות שבהם החמאס נערך, פועל, מתכנן, משגר, לפגוע בו קשה מאוד בכל מקום, בכל מפקד, בכל פעיל, להשמיד תשתיות, במילה אחת, לנצח. कंक्रीट से बनी इन सुरंगों को लेकर 2021 में इसराइल ने दावा किया कि उसने 100 सुरंगें तबाह की हैं, लेकिन हमास ने कहा कि ये मौजूदा सुरंगों का 5% भी नहीं। गाजा पट्टी में इसराइल के हमले में तबाह हुई सुरंगों का नक्शा देखिए, ये पूरी गाजा पट्टी है। इसके उत्तर में बीट हनून है, जहां इसराइल ने नई सुरंगें तबाह की। फिर गाजा सिटी है, यहां भी वही हाल किया। उसके नीचे खान यूनुस है, और यहां भी कई सुरंगों को इजरायल ने तबाह कर दिया। लेकिन गाजा पट्टी के सुरंगों का पूरा नेटवर्क ढहाया नहीं जा सका, और एक बार फिर यही सुरंगें इजरायल को गाजा पर जमीनी हमले करने से रोक रही हैं। इन सुरंगों से इजरायल की सेना इसलिए डर रही है क्योंकि सुरंगों में टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस नेटवर्क कमजोर हो जाते हैं। इजरायली सेना के जमीनी हमले के वक्त इन सुरंगों में बारूद भरकर उड़ाया जा सकता है। इन सुरंगों से निकलकर अचानक हमला किया जा सकता है। आपको आगे दिखाएंगे कि इन सुरंगों को नष्ट करने के लिए इजरायल ने अपनी कौन सी फोर्स तैनात की है। लेकिन उसके पहले इजरायल के गाजा पट्टी पर ताजे हमले की कुछ तस्वीरें देख लीजिए और यकीन कीजिए कि हालात बहुत गंभीर हो गए हैं। किसी की कोई नहीं सुन रहा, अमेरिका की ईरान नहीं सुन रहा, ईरान की इजरायल नहीं सुन रहा, इजरायल की हमास और हिजबुल्ला नहीं सुन रहे। नतीजा है कि गाजा अपनी किस्मत पर आंसू नहीं, खून बहा रहा है। इसराइल कह रहा है कि गाजा की ऊपरी परत पर आम लोग रहते हैं और जमीन के नीचे हमास के आतंकियों का शहर बसा है। टारगेट वही है क्योंकि हमास ने इन सुरंगों को एक साल में नहीं गढ़ा, सालों से इसे तराशा है, इस लायक बनाया है कि इसराइल के हवाई हमले सुरंगों पर फेल हो जाए। हमास ने इन सुरंगों को इसराइल तक बिछा रखा है, मतलब इसराइल में घुसने के लिए सुरंग रास्ता हो सकती है। जैसे जबालिया से, गाजा सिटी से, शेजाइया से इजरायल के नहल ओजी, कफर अजा तक ये सुरंगें फैली हो सकती हैं। इन सुरंगों में हमास ने सारे हथियार जमा कर रखे हैं। अब सवाल उठता है कि हमास के पास इन सुरंगों को बनाने का पैसा कहां से आया? तो जवाब है, मदद के लिए मिले पैसों को हमास ने आम बाशिंदे की तालीम या सेहत पर खर्च करने की जगह सुरंग बनाने पर खर्च किया, क्योंकि इनके दिमाग में बहुत क्लियर है कि इसराइल पर हमला करेंगे तो वो छोड़ेगा नहीं। और अब सुरंगें हमास की जीवनदायिनी बनी हुई हैं। इसराइल कह रहा है कि सुरंगों की शिनाख्त के बाद इन्हें GPU-28 बमों से ध्वस्त कर दिया जाएगा। इस बम के इस्तेमाल से सुरंगें तबाह तो होंगी, लेकिन बड़े बड़े गड्ढे बन जाएंगे। लेकिन इसराइल के सामने इसके अंत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमास ने इन सुरंगों में भारी मात्रा में हथियार इकट्ठा किया है, सुरंग के भीतर भी बंकर बना रखा है, कमांड सेंटर चलाते हैं, यहां तक कि गोला बारूद का ट्रांसपोर्टेशन भी इन्हीं सुरंगों से होता है। लिहाजा इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF के लिए यह काम बहुत मुश्किल होने वाला है। इजरायल ने हालांकि इसका तोड़ निकाल भी लिया है। सुरंगों को नष्ट करने के लिए इजरायल ने सेना में स्पेशल यूनिट बनाया है, नाम है यहालोम यूनिट। यहालोम कॉम्बैट इंजीनियरिंग कॉर्प्स की एलीट कमांडो यूनिट है। यहालोम इन सुरंगों को खोजने, क्लियर करने और नष्ट करने में माहिर है। इस यूनिट की संख्या इसराइल ने दोगुनी कर दी है। इसराइल के पास बहुत वक्त नहीं है क्योंकि हर बीतते दिन के साथ ईरान आक्रामक होगा, हिजबुल्ला हमले तेज करेगा, ये तय है। दूसरी ओर हमास के पास भी वक्त नहीं है, लेकिन सुरंगों में छिपे लोगों को इसकी चिंता कम है। कहा जा रहा है कि इन सुरंगों में छुपे हमास के आतंकियों के पास पर्याप्त मात्रा में खाना खाने और पीने को पानी मौजूद है।